गोल गोल चेहरा हो आंखें दिलारी, अल्लाह मियां भेज कोई रूप। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? कैसे हो? आज मैं और मीठी हम दोनों जा रहे हैं नदी। तो मैं नहा ली हूँ और उसके बाद फूफा जी ने प्लान बनाया कि आज नदी चलते हैं, तो हम सब लोग नदी जा रहे हैं और वो आगे देखा जाएगा कि मैं नहाती भी हूँ कि नहीं। वैसे मैंने कपड़े रख लिए हैं और अगर नहाना होगा तो नहा लूँगी, वरना कोई बात नहीं। तो चलिए आप भी चलिए हमारे साथ नदी, बहुत इंजॉय होने वाला है। कहाँ जा रही हो? नदी जा रही हो? बहुत गर्मी लग रही है और सर में कुड़िया हो गई है क्या? चलो चलते हैं, है ना? तो सब लोग हो गए हैं रेडी नदी जाने के लिए और सब लोग बाहर भी आ गए हैं और हस्बैंड जी बैठ गए हैं गाड़ी के अंदर ड्राइवर वाली सीट पर और गाड़ी को ड्राइव हस्बैंड जी करेंगे। बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, बट धूप इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी से ही जाना पड़ा हम लोग को। आधा किलोमीटर भी नहीं है ये एरिया और हम लोग का जो जोन है ना वो ग्रीन जोन है, इसलिए यहाँ पर ये मत कहने आ जाना कि आप लोग कहाँ घूम रहे हो लॉकडाउन में। तो यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं थी जिस जगह पे हम लोग गए हैं। तो वैसे भी हम लोग फेस कवर करने के लिए सब कुछ ले गए थे, अपने पूरी व्यवस्था से गए थे और संडे था, घर में बच्चे बोर हो रहे थे इसलिए हम घूमने गए थे। आजकल मम्मी जी भी बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करने लग गई हैं और अभी इससे पहले मम्मी जी ही बोल रही थी। और ये देखिए रास्ते का व्यू है और इसके बाद जो आएगा ब्रिज, इसी ब्रिज के ऊपर से हम लोग जाएंगे नदी के नीचे। तो ये देखिए हम लोग ब्रिज के ऊपर हैं और जो नदी दिख रही है ना, छोटा सा स्टॉप डैम दिख रहा है, बस हम लोग वहीं जाने वाले हैं। तो पूरे ब्लॉग के साथ बने रहना गाइस और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। कुछ भी बोल देती हूँ मैं जल्दी जल्दी में। तो ये देखिए रास्ता है और यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी मंदिर है और उस मंदिर में मेला भी लगता है और मैंने मेला वाला ब्लॉग शेयर किया है आपके साथ और मैं लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से चेक कर लीजिएगा आप लोग। और बहुत अच्छा भी लगता है, वो छोटा सा मेला लगता है दिन में। तो ये देखिए मंदिर तो जा नहीं सकते थे, मंदिर बंद था। और ये जो रास्ता है हम लोग आ गए हैं इसी रास्ते से नदी के पास और अब हम लोग यहाँ जाएंगे स्टॉप डैम जहाँ बना हुआ है। और ये मैं हूँ और यहाँ पर मेरी चाची सास की बेटी, बेटे और बुआ सास, फूफा ससुर, उनके बच्चे और मम्मी जी, हस्बैंड जी, देवर जी और मीठी, हम सब लोग आए थे एक गाड़ी भरकर पूरा और एंजॉय करे थे। फुल एंजॉय संडे का किया था हम लोगों ने। ये 10 बजे का टाइम था और धूप इतनी ज़्यादा तेज थी कि मैं क्या बताऊं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है स्टॉप डैम है, छोटा सा डैम, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर बड़े वाले डैम की बात करो तो मैं बड़े वाले डैम भी आपको घुमा के लाऊंगी कुछ दिन बाद, अभी तो थोड़ा जाना अच्छा नहीं है, दूर है वो थोड़ा सा घर से। तो ये देखिए पीछे आपको रेलवे ब्रिज दिख रहा होगा, वहां से जा रही है एक मालगाड़ी और यही वाला रेलवे लाइन हमारे घर के पीछे से भी दिखता है गाइस। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि घर से ज्यादा दूर नहीं है हम लोग अभी इस टाइम पे। और ये देखिए ये खूबसूरत सा नज़ारा आप लोग के सामने है और कैसा लग रहा है ये खूबसूरत सा नज़ारा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स चाहिए तो भी बताइएगा और कुछ पूछना है, कुछ सजेस्ट करना है तो भी बता देना। तो ये देखिए ये है मीठी और अपने चाचू के साथ कर रही है मस्ती और इसको नदी में नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है और चाचू भी इसके हाय कर रहे हैं और वो भी हाय कर रही है। और ये कितना खूबसूरत सा पहाड़ देख रहे होंगे आप पीछे, तो उसमें पहाड़ पे इतने हरे भरे पेड़ लगे हैं वो देखो। मुझे नदी में नहाना नहीं है, डर लग रही है और मैं नहा कर आई हूँ घर से, इसलिए मैं नहाऊंगी नहीं, बस ऐसे ही पैर डालकर बैठी रहूंगी यहाँ पर। अच्छा लग रहा है पैर डालकर बैठने में। तो यहाँ पर मैं ये चीज छुपा सकती थी कि मम्मी जी यहाँ पर आकर कपड़े धो रही हैं, बट मैंने नहीं छुपाया क्योंकि मैं शुद्ध देसी व्लॉग्स दिखाना चाहती हूँ और आपके साथ जो सच है वो दिखाना चाहती हूँ। कल का ये नहीं कि मैं स्टाइल मार रही हूँ या वीआईपी बन रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी जी कपड़े धुल रही थी और बुआ सास का बेटा है वो नहा रहा था मस्ती कर करके। और अरे डैम तो ना चारा मतलब क्या घास उगी हुई है पानी के अंदर, किसी की टॉवेल भी बह के आ गई है यहाँ पे धुलते धुलते मम्मी जी का कपड़ा तो नहीं चला आया जी। सुनिए तो अभी साबुन लगाना बचा था क्या? साबुन लगा रही हो?
अब साबुन लगा के नहाओगी। तो ये डैम का पानी है और ये डैम का पानी बिल्कुल शुद्ध है, साफ है, आता रहता है इधर, और यहाँ ज्यादा गहराई नहीं है। और मीठी बैठ कर स्नान कर रही है। कैसा लग रहा है मीठी, मजा आ रही है? मम्मी जी के साथ नहा रही हो? मम्मी जी भी नहा रही हैं? गुड। अरी बुआ नहाने में बुआ को तैरने नहीं आता और बहुत ज्यादा धूप है यहाँ पे, बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही है। और ये देखिए बुआ का बेटा नहा रहा है। ओए सुबह इधर आयुष, मजा आ रही है आयुष? एक मंत्र इधर भी सुना दो ना। ये मंत्र बहुत ज्यादा उच्चारण करता है मंत्रों का। और उधर देवर लोग नहा रहे हैं। तो चलिए अब मैं मीठी को तैयार कर दूं, थोड़ा उसको कपड़े वपड़े पहना दूं। वो कौन सो गया पानी के बीच में, आयुष है क्या? कहाँ क्या हुआ, कहाँ से निकल गया क्या? साइड सीन। बापरे, तो आप मम्मी जी तैर के दिखाने वाली है, तो मम्मी जी तैर के दिखाइए। ये देखो कहाँ गई भाई, मैं मोबाइल में तैर नहीं देखती रही। नहीं वीडियो कॉल, वीडियो बन रही। मम्मी जी सोची की पिंकी दीदी वीडियो कॉल की है। फिर से एक बार, और वो है मीठी के पापा। एक बार तुम भी तैर के आना यहाँ तक। मीठी आ जाओ, पापा बुला रहे घर से, आ जाओ। और अगर आप इसके नीचे जाओगे ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि हम झरने के नीचे आ गए हैं, और इसके नीचे हस्बैंड जी बैठे थे, वही जान सकते हैं कि उनको कितना मजा आया होगा। ये जैसे लग रहा था कोई झरना हो, अगर आप नीचे से देखते। ये देखिए नीचे से ऐसा लग रहा है कि हम झरने के नीचे खड़े हैं, और यहाँ पे चाची सास की बेटी और बुआ सास दोनों नहा रही हैं। इन लोगों को देख कर ऐसा लग रहा था कि मैं भी चली जाऊं, बट मैं नहीं गई, वरना व्लॉगिंग कौन करता, इसलिए मैं नहीं गई। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखकर ये सब। और ये देखिए मीठी है अपने चाचू के साथ, और अब ये नहा धोकर रेडी हो गई है, और इसको अब मुझे रेडी करना था, कपड़े वपड़े इसके चेंज करने थे। तो देखिए मैं बैठ गई हूँ इसको लेकर, और यहाँ पर ये कुछ खाने पीने के लिए भी लेकर आई थी, और बस वही खा रही है। और अब इसके कपड़े भी मैंने चेंज कर दिए हैं, और हम लोग बैठ कर यहाँ से लुत्फ उठा रहे हैं नज़ारों का, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे गाइस। और हो गई फुल मस्ती, और अब हम लोग जा रहे हैं घर, और हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, गाड़ी चल भी दी है गाइस। तो अब जा रहे हैं हम लोग घर, और रास्ते का फिर से व्यू देख लीजिए। सबका नहाना धोना हो गया और संडे का फुल एंजॉय हो गया। क्यों, सच बात है कि प्रकृति की असली खूबसूरता मध्य प्रदेश में है। सच में पेड़ पहाड़ नदियों से घिरा हुआ है पूरा मध्य प्रदेश, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर आसपास बहुत अच्छी अच्छी जगह है। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। बाय बाय जोहिला नदी, हम तो अब हो गया रास्ता खत्म, आ गया है घर, और जहाँ पर आपको एक और गाड़ी पहले से खड़ी हुई दिख रही है वही है हमारा घर, और ये गाड़ी भी वहीं पे खड़ी हो जाएगी, और हमारी जो शटर वगैरह दिख रहा है वही हमारा घर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और इतना सारा प्यार देने के लिए व्लॉग को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।